नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के वीरका मिल्क प्लांट के नजदीक न्यू अमृत विहार में मामूली बात को लेकर कुछ युवकों ने चलाई गोलियां। खन्ना के राणा साहिब इलाके में एक तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, लोगों ने कार सवार लड़का लड़की को सुरक्षित निकाला बाहर। जालंधर के पौश एरिया मॉडल टाउन में एक दुकानदार ने महिला को सामान चोरी करते हुए पकड़ा, महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के वीरका मिल्क प्लांट नजदीक स्थित न्यू अमृत विहार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मामूली सी बात को लेकर कुछ युवकों ने गोलियां चला दी। गोलियां चलने की सूचना मिलते ही एडीसीपी वन बलविंदर रंधावा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस संबंधी जानकारी देते हुए एडीसीपी रंधावा ने बताया कि सुरेंद्र नामक युवक जो कि बाबा मोहनदास मार्केट में दुकान चलाता है, वह अपनी बाइक पर घर की तरफ जा रहा था कि दूसरी तरफ से आए बाइक सवार युवकों की उसकी बाइक के साथ टक्कर हो गई। उक्त युवकों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। सुरेंद्र की बाइक का नुकसान हुआ तो उसने बाइक सवार युवकों से अपनी बाइक का हर्जाना मांगा। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए युवकों ने गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के बाद उक्त युवक अपनी बाइक लेकर फरार हो गए और कुछ ही दूरी पर जाकर उन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी और पास ही स्थित स्कूल के विद्यार्थियों की बाइक छीनकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं और आरोपी युवकों की बाइक भी अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर आरोपियों तक पहुंचने में लगी हुई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दो जने सी इन्हां दे कोलों दोनों दे कोल हथियार सी कि एक तो जिहड़ा पिछे बैठा सी। ते तुसीं देखिया कि जिहड़ा गोलियां उन्होंने हवाई फायर कीते जां किसे दे वल नूं करके गोलियां चलाईयां? किसे दे वल नूं सी, पहला ही हवाई च, बाकी किसे वल नूं? पहला हवाई कीते ने। किन्ने क राउंड फायर हो जिहड़े स्थान उत्ते हुए ने? चार पांच फायर हुए ने। उस तो बाद तुहाडी बाइक भी खोल दित्ती गई है। तो तुसीं कि बाइक सी? पैशन बाइक सी। तो हालांकि जिहड़े जिन्हां दे विच आपस च लड़ाई हो रही सी वह दूसरी पार्टी भी भज गई सी? ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਗੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁਰਨ ਨਿਕਲੇ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਨ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਸਾਡੀ 40-50 ਟੀਚਰ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਮਾਜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਦਊਗਾ? ਮੌਕੇ ਦੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, SHO ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। SHO ਬਾ DCP ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, DCP ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹਵਲਦਾਰਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹ? ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦ ਦੇਖ ਰੋਂਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਭਾਜੀ ਇਹ? ਮਹੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੋਸਲ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਮੋਹਨਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਫਲ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੋਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ।
खन्ना के राणा साहिब इलाके में एक कार नहर में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार काफ़ी तेज रफ्तार में थी, जिस कारण ये हादसा हुआ। तो वहीं नहर में पानी कम होने के कारण आसपास के लोगों ने कार में सवार लड़के और लड़की को बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। जालंधर के पौश एरिया मंडल टाउन में एक दुकानदार ने एक महिला को सामान चोरी करते हुए पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला किसी निजी स्कूल की प्रिंसिपल बताई जा रही है। उक्त महिला मॉडल टाउन मार्केट में स्थित जैन सन्स में खरीदारी करने आई थी कि इस दौरान उसने दुकान से सामान उठाया और अपने पहने हुए ओवरकोट में छुपा लिया, लेकिन उसकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दुकानदार ने जब महिला दुकान से जाने लगी तो उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के ओवरकोट में छुपाया हुआ सामान पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद भी महिला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने चोरी की है, बल्कि तलाशी लेने पर उसने उल्टा वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। मॉडल टाउन मार्केट में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद वहां पर पुलिस आ गई, लेकिन महिला पुलिस के साथ थाना जाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे तैसे कर पुलिस महिला को थाना लेकर गई, जिसके बाद थाने में जाकर महिला ने माफीनामा लिखकर अपनी जान बचाई और मामले को खत्म किया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बोलो तुसी बोलो प्लीज बोलो। गलत गल नहीं, किताब भी चक्की है इन्होंने। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं गलत, बिल्कुल नहीं। जदो जदो इन्हां दी कोई चीज नहीं। एक मिनट मेरी गल सुनो, मेरी गल सुन लो पहला, मेरी गल सुन लो। प्रेस मेनू भी जानती है। लो जी, एक लेडी जो की अज मॉडल टाउन मेन मार्केट दे विच जैन सन दे बाहर जो की हेलो टच भी नो ओके पुलिस को जाना करो। और पुलिस इतना ही पुलिस चल पुलिस को चलो 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 टेस्टर पे सी वारी वारी चक के इन्हे 10 टेस्टर होने जेडे चक के जेब च पा लै। उस तू बाद कहने रखो जी मैं आई नाल समान लै लवा। दूजे पासे गई है बेटे ने नाइट सूट दिखाया दौड़न लगी सी दौड़ के पिछे स्कूटर फड़ लिया। अच्छा जी, ते कहिंदी मैं आ रही हां, मैं पैसे लैन जा रही हां, मैं पैसे लैन जी 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 नाइट सूट क्यों नाल लै चली हां। फिर जो इहदी तलाशी लीती स्कूटर दी डिक्की खोली गई, डिक्की च ना कुछ होवे। जो नाल दी दुकान है मॉडर्न बुक डिपो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਪੈਨਸਲ ਬਾਕਸ ਆ ਪੈਨਸਲ ਬਾਕਸ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ, ਇਹ ਦੌੜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਖੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। बठिंडा में गत रात्रि एक मिठाई की दुकान में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान चोर दुकान का गल्ला तोड़कर 5,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं चोरी की यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने बताया कि गत रात्रि चोर शटर का ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए, जिसके बाद गल्ले को तोड़कर वहां पड़ी लगभग 5,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। तो वहीं दुकानदार ने कहा कि दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने मांग की है कि पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने चाहिए। सर शाम को दुकान को बढ़ा के गए 10 बजे लगभग। 10 बजे के बाद में सुबह सुबह शटर खुला मिला है दूध वाले को। दूध वाले ने हमको सूचना दी है कि आपका शटर सुबह सुबह खुला मिला है। तो जैसे हमको पता चला वैसे हम आए, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा शटर खुला हुआ था, और अंदर आए तो हमने देखा कि हमारे दोनों गल्ले टूटे हुए और यहाँ एक पत्थर पड़ा है, उससे ठोंक ठोंक के उसने तोड़ के सारा कैश हमारा ले गया यहाँ से। कितना कैश था? मिनिमम वही 5,000-7,000 रुपए था, छोटा छोटा कैश पड़ा था हमारे पास। कैश ही लेके गए? कुछ कैश ही लेके गए। क्या मांग करते हो प्रशासन? बस प्रशासन से यही मांग है कि हमारी दुकान की सेफ्टी के लिए कोई यहाँ पर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसको लेकर हर वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अगर बात की जाए जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, तो इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। उनका कहना है कि छोटी स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के प्रधान रविंदर धीर ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स की जो छूट दी गई है उसकी वे सराहना करते, लेकिन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को सरकार ने दरकिनार किया है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वे सरकार से कई बार कह चुके हैं कि उन्हें R&D सेंटर की जरूरत, GST स्लैब्स में कटौती होनी चाहिए, विदेशों से जो कच्चा माल आ रहा है उस पर ड्यूटी कम करनी चाहिए। ऐसी और भी कई मांगें थी उनकी सरकार से, लेकिन ऐसा कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिला। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो, इंडस्ट्री वास्ते तो कुछ नहीं है बजट दे विच, और खासकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की गल करिए टोटली इग्नोर की गई है, और इंडस्ट्री नूं तवज्जो देने की लोड़ भी सी, सरकार नूं इहनूं चाहीदा सी इहदे वल तवज्जो देनी, पर समाल स्केल जिहड़ी इंडस्ट्री है वो बजट दे विच उस इंडस्ट्री वास्ते तो कुछ नहीं हैगा। ये जरूर है कि इंकम टैक्स जो स्लैब हैगे वे जिहड़ियां राहत दिती गई है, उस तो अलावा समाल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम क्लास लई तां कुछ नहीं हैगा बजट दे विच। इंडस्ट्री दियां लोड़ां सीगियां जां मंगां सीगियां जां जरूरतां सीगियां कि GST दी जिहड़ी दर है घटाई जावे इत्ते, और बहुत जरूरी है उहनूं घटाउणा। और दूसरा, असीं इक बार्डर स्टेट 'च बैठे हाँ, साडे कोल कोई रॉ मटीरियल नहीं हैगे, और ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ R&D ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ R&D ਸੈਂਟਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ GST ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18% ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ GST। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता व अकाली दल से सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके कमलजीत सिंह भाटिया ने अपने साथियों के साथ अकाली दल को अलविदा कह दिया। कमलजीत सिंह भाटिया वर्ष 1997 से लगातार अकाली दल के लिए सेवा निभा रहे थे। लगभग 36 वर्ष उन्होंने पार्टी की सेवा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा सुख दुख में साथ होती है। पिछले चुनावों में पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर इग्नोर किया है, और पार्टी ने हारने के बाद अपने वर्करों को पूछा तक नहीं। कुछ नेताओं को ज़रूर पूछा गया, लेकिन उनसे आज तक एक बार भी किसी ने ये पूछना भी संभव नहीं समझा कि पार्टी को आगे कैसे किया जाए। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुल 51 सदस्य पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, जिसमें महिला विंग की सदस्याएं भी शामिल है। हमेशा उन्होंने समाज व पार्टी की सेवा की है और आगे भी समाज की सेवा हर वक्त करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे चुनाव भी ज़रूर लड़ेंगे। अभी किसी पार्टी में जाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। अब वे आज़ाद हो गए हैं और वे आज़ाद ही चुनाव लड़ेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और लगातार पार्टी प्रधान पिछले 8-10 महीनों के लगातार जालंधर शहर के तकरीबन 20 वारी तो वध आए, किधरे भी उन्होंने साड़ी नवाज पहचान की कोशिश नहीं की, किधरे भी यह कोशिश नहीं की कि साड़ी पार्टी के सीनियर लीडर या साड़े पार्टी के वर्कर सबान घर बैठे है, वो कुछ एक चंद एक बंद कलावे से जाके जलंधर शहर के विजिट करते रहे, पर किधरे भी उन्होंने आम व्यक्ति या साडे लीडरशिप या
साडे पार्टी के अहुदेदारां नूं किधरे भी उन्होंने कलावे च लैण दी कोशिश नहीं की थी। उस रोस वजों और बहुत दुख की गल है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दो थम जिहड़े आ साडे जलंधर शहर के विचों जथेदार तेगा सिंह बल जिहड़े सरप्रस्त सी अकाली जथे दे उन्हां दे भोग दे उत्ते पार्टी का कोई सीनियर लीडर नहीं आया, कोई पार्टी वालों दिशाला नहीं दिता गया, कोई सरोपा नहीं दिता गया, कोई परिवार को एडजस्ट नहीं किया गया। तो सेम वे सरदार चरणजीत सिंह मकड़ साडे सीनियर साथी जिहड़े सीनियर मीत प्रधान सीगे अकाली जथे दे विच उन्हां दे परिवार दे नाल भी पार्टी वालों अजिहा ही वतीरा किया गया। सो अजिहियां बहुत सारिया गल्लां करके असीं पार्टी नूं अलविदा कह रहे। खन्ना नगर कौंसिल की मासिक मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस शासित नगर कौंसिल के प्रधान को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी और अकाली दल के पार्षदों ने एजेंडे में शामिल मतों को लेकर जमकर विरोध किया, जिसके चलते हाउस के अंदर लड़ाई तक की नौबत आ गई। कांग्रेस ने जहां विरोधी पक्ष पर जानबूझकर माहौल खराब करने के आरोप लगाए, तो वहीं आप पार्षदों ने कांग्रेसी प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस मौके पर नगर कौंसिल के प्रधान कमलजीत सिंह लद्दड़ ने कहा कि शहर के विकास के लिए सिटी 1 और सिटी 2 इलाकों में 25-25 लाख रुपए के टेंडर लगाने का प्रस्ताव हाउस में लिया गया, जिसका जानबूझकर विरोध किया गया, जबकि इसके ऊपर किसी और पार्षद ने कोई एतराज नहीं किया। वहीं गुरु अमरदास मार्केट की पार्किंग में सरकारी खजाने को लगाई जा रही चूने के मुद्दे पर प्रधान ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद जतेंद्र पाठक ने कहा कि हाउस में पहले इस बात के ऊपर सहमति बनी थी कि 25-25 लाख के टेंडर नहीं लाए जाएंगे, पर बाद में ईओ ने इस मुद्दे को दोबारा उठाकर लड़ाई करवाई, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पंजाब को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सचिव तरुण चुग जालंधर से पूर्व विधायक केडी भंडारी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केडी भंडारी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि केडी भंडारी पार्टी और समाज की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद केडी भंडारी इस मामले में साफ बाहर निकल कर आएंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भंडारी साहब मेरे भरा ने, मेरा घर है अपना, और उन्होंने मिलने से आए हैं। भंडारी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, सामाजिक जीवन, और पार्टी के बड़े लॉयल सिपाही ने। आज इन्होंने घर आए हैं, अपने परिवार ने मिलने से आए। ऐसा है कि विषय की जांच होनी चाहिए। केडी भंडारी जी ने जड़ा स्टेट मनी है और मिसयूज का मसला उठाया और फैक्ट्स सामने दिस रहे, जमानता नहीं दितियां, कोर्ट्स ने नहीं दितियां, कोर्ट्स ने सारे सब्जेक्ट्स नु समझदे होया जमानता नहीं दितियां। इस तरह ते कोई भी पब्लिक मनी नू बचाने से अगे नहीं आएगा। ठीक है, बंदे दा जाना दुखद है, साढ़े मन च दुख है उस गल का। कोई भी असी जिस संस्कृति च पले हाँ, किसी छोटे जे जीव नू भी कुछ होंदा तो मन च दर्द होंदा, लेकिन और च केडी भंडारी जी का कोई लेना देना नहीं है और निर्दोष ने। और मैं पंजाब सरकार नू बेनती करांगा कि इस FIR नू तुरंत रद्द करना चाहिए। सच बोलने वाले स्टेट मनी का मिसयूज करने वाले का पर्दाफाश करने वाले लोगों नू परचे नहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए, उन्हां दी सराहना होनी चाहिए। गत दिनों पूर्व पार्षद विक्की कालिया की ओर से आत्महत्या की गई थी। इससे पहले उनकी ओर से एक सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें 14 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था जिनसे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की है। उनमें से एक नाम पूर्व विधायक केडी भंडारी का है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केडी भंडारी ने कहा कि उनका इस मामले में कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ आई हुई ग्रांटों की शिकायत की थी
और अधिकारियों द्वारा ही इस संबंधी जांच की गई। इसके अलावा उनका काफी समय से विक्की कालिया के साथ सामना भी नहीं हुआ और ना ही फोन पर कभी बात हुई। इस मौके पर उन्होंने विक्की कालिया परिवार के साथ हमदर्दी भी जताई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुझे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जी घटना हुई है, घटना होनी नहीं चाहिए सी। उन्होंने किस तरीके ने की है कि वो हालात बने, ये तो बंदा जानता वा, पर सामने इस गल का दुख है भी साडा शहर का एक कौंसलर जिन्हें ये आत्महत्या की है, सानू संवेदना उस परिवार के नाल, लेकिन ये पिछे की कारण रहे है ये जांच का विषय है वा। और असी ये मांग करांगे प्रशासन के कोलों भी किस तरीके दे नाल ग्रांटा जिहड़ियां उन्होंने को पहुंचिया भी इक्को वार्ड दे विच जिहड़ियां पंज ग्रांटा उन्होंने गईया, और ग्रांटा भी उन्होंने सोसायटिया गई जिहड़ियां सोसायटियां गलत बनिया सीगियां, ओरिजिनल सोसायटियां ग्रांटा नहीं गई, और उस पैसे की वरतों जिहड़ी जिस तरीके नाल हुई है वो सारा कोर्ट के मैटर गया। डीसी साहब ने उसकी इंक्वायरी कराई और उस तो बाद परचे रजिस्टर्ड होए, सुप्रीम कोर्ट तक परिवार गया, यदा मतलब कोई गल गलत सी जिड़ी कि जमानत नहीं हुई, और उस तो बाद उन्होंने स्टैप चुकिया कि सुसाइड किया वै। और मेरी तो उन्होंने लगभग 6-7 साल हो गए कभी कोई भी टैलीफोनिकली या फिजिकली कभी कभी वार्तालाप नहीं हुई सी, ना ही कभी कोई साडा उन्होंने कोई गलबात हुई सी। पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के तहत शुरू की गई पंजाब सरकार आपके द्वार नामक मुहिम के तहत धूरी के नज़दीकी गांव कक्कड़वाल में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से संयुक्त तौर पर जन सुविधा कैंप का आयोजन किया गया, जिसे गांव वासियों का पूरा सहयोग मिला। इस कैंप के दौरान डिप्टी कमिश्नर जतेंद्र जरेवाल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने खुद गांव कक्कड़वाल में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पहल के आधार पर उनके निपटारे का आश्वासन दिलाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने गांववासियों को नशों के पूर्ण खात्मे के लिए पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम में बढ़ चढ़कर सहयोग देते हुए जिला संगरूर को नशा मुक्त जिला बनाने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक किसी भी नशा तस्कर के बारे में कोई सूचना उपलब्ध करवाता है तो उस नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों मानयोग मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों हेठ सरकार आपके द्वार ये जिहड़ी मुहिम शुरू की गई है, इस दे तहत असी पिछले कुछ 2-3 महीनों तो ऑलरेडी कैंप लगाए जा रहे सन। आज कक्कड़वाल दे विच असी ये कैंप लगाया है, हर सब डिवीजन दे विच, हर तहसील दे विच हर बुधवार कैंप लगता है। ये जिहड़े ने जिहड़े रेवेन्यू महकमे दे नाल माल महकमे दे नाल रिलेटेड जेकर कोई इशूज़ ने कोई इंतकाल दे मैटर जिहड़े मौके ते सुलझ सकदे हैं, वो कोई अपने जिहड़े पिंड वासी ने जिहड़े बंदे ने वसनीक ने उह इत्थे आके अपने इंतकाल दर्ज करा सकदे हैं। इत्थे पेंशन वाल महकमा भी इत्थे बैठा होया, जेकर किसी का कोई पेंशन का इशू किसी पेंशन लगनी है वो भी इत्थे आके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकदे हैं। इत्थे रूरल डेवलपमेंट महकमे दे भी बंदे ने जिहड़े भी वख वख डिपार्टमेंट तरीके की मिनी सैक्रटेरीएट असीं इत्थे लाए, जिथे अफसर जिहड़े ने हुण वो पिंड आके इतने आने जिस करके पिंड वाले कोई इस तरह का जिथे हैडक्वाटर आके जिहड़े उत्थे दफ्तर के गेड़े वो नहीं लाने पे, ये मुख्यमंत्री का सपना है। तो उदू पूरा करन दे विच जिला प्रशासन संगरूर ये देखो इस तरह है जिवें अपना पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि एक जो कैंप लगता है पूरे जिले के वक् वक् कैंप लगता है, जिद जिमें कि अज गल करिए अज घट्टो घट 12-14 कैंप लगे हुए हैं, तो टोटल 800 के नेड़े तेड़े जिहड़े ने अपने इंतकाल दर्ज हो जाते हैं, प्लस कुछ इस तरह की पेंशनस लगदियाँ है, जिहड़े छोटे मोटे मसले होंगे जिथे थोड़ा डिस्प्यूट होंदा है वो आपस में जिथे बह के वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। पहली गल तो फायदा तो इस हिसाब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्यों जिस करके पूरा प्रशासन डीसी साहब एसएसपी साहब एसपी साहब एसडीएम साहब तहसीलदार साहब पूरा तकरीबन पूरा प्रशासन इतने पहुँचा, क्यों पिंड दी जो भी समस्या ने सारिया इतने हल हो जाण, इहदे नाल उपराला वड्डा उपराला होर हो ही नहीं सकता। जे इत्थे सारा कुछ हल होण लग गया पिंडां दे विच तां दुबारा दूजी सरकार कदी सानू देखण दी लोड़ नहीं पऊगी।
जहां एक तरफ पूरे पंजाब में आज का युवा अपने अच्छे भविष्य के लिए विदेश की ओर रुक कर रहा है और सोच रख रहा है कि अब पंजाब में कुछ नहीं रहा, ना ही रोजगार और ना ही अच्छा भविष्य। ऐसे में ब्रह्मजोत कौर एक उदाहरण है उन सभी के लिए कि अगर मेहनत और लगन की जाए तो हर चीज को हासिल किया जा सकता है। वही ब्रह्मजोत कौर ने अग्निवीर में अपना भविष्य आजमाया और आज उसकी अग्निवीर के जरिए भर्ती हो चुकी है। ब्रह्मजोत जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुए ट्रेल में से चुनी गई है। वहीं जब इसके बारे में ब्रह्मजोत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महज 22 साल की उम्र में वह अग्निवीर के जरिए देश की सेवा करने के लिए सामने आई है और उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई अग्निवीर से फौज में आने का मौका मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि पहले उनके माता पिता यह चाहते थे कि वह विदेश जाए और वहाँ पर अपना अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन उसका एक सपना ही था कि वह भारतीय फौज में रहकर भारत की सेवा करे। तो उसको लेकर जो अग्निवीर के तहत भर्ती होनी थी उसने वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई। वहीं भाजपा पंजाब के उपप्रधान अरविंद खन्ना ने ब्रह्मजोत और उनके परिवार को मुबारक दी और कहा कि अग्निवीर के जरिए लाखों युवा अपना भविष्य बना रहे हैं और सेना में जा रहे हैं। इसी के चलते वह संदेश बाकी युवाओं को देना चाहते हैं कि अगर वह कुछ भी मेहनत से करेंगे तो भारत में रहकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। दैट ऑल पॉलिटिकल एजेंडा अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल व्हाट आई फेल्ट दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर अदर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द रैली। सो दैट अपॉर्चुनिटी इट इज़ अपॉन अस दैट हाउ वी आर लुकिंग इन टू द स्कीम। देर आर ऑफकोर्स देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी न्यू स्कीम दैट इज introduced in the country, but government is trying and it's trying its best to provide further opportunities after 4 years. What is important here is that not what will happen after 4 years, but yes, of course, what is going to happen in these 4 years. तो ये 4 साल अपन ये इदा देखने हैं कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। As I have a deep knowledge about the armed forces, I am from NCC Air Wing. I have done C certificate. तो मैंने काफ़ी नॉलेज है इस बारे। And what army is demanding is not, it's not providing jobs, first of all. It's not a job providing organization, but yes, it is a voluntary organization. पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ भी बच्चे सिलेक्ट हुई है जी। तो बस इन्ना ही कहना चाहूँगी कि बाहर ही हमेशा बाहर भी बहुत बच्चे जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। बाहर भी कुछ है नहीं भी, मतलब जे उरे अपन बच्चों अगे बढ़ाना वा आप क्यों ना इंडिया से रह के पेरेंट्स के कोल बच्चे रहते हैं, आपको सब तो वीडी तो यही गल होंगी है। बाकी भी बाहर जाके भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने आसान नहीं हैगी उत्थे दी लाइफ भी। तो मतलब उरे ही इन्नी वधिया सरकार अपॉर्चुनिटी लेके आई अपने लिए, फिर क्यों ना आप इहदे विच अपनी पहल हो। मैनू तो इन्नी खुशी हुई है कि इस लड़की ने अग्निवीर दे विच इहनू भर्ती मिली है। ऐ संगरूर जिले की ऐसी पहली लड़की है जिन्हें यह उपराला चक्या तो इन्हें इहनू भर्ती मिली है। और पंजाब चो मैनू दस रही सी हुणे इन्हां दे फादर साहब दस रहे, पंजाब चो 5 लड़कियां नू अग्निवीर दे विच मौका मिलिया से देश की सेवा करन दा, और मैनू बहुत ही खुशी है इस गल दी। इस करके मैं इहनू बधाई देण आया और मैनू उम्मीद है कि इन्हां नू देख के होर भी साडे पंजाब दी लड़कियां और लड़के अग्निवीर दे विच हिस्सा लैण दी कोशिश करांगे। अमृतसर में नशेड़ी ई रिक्शा चालक का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चालक नशे में धुत है और वह पैदल चल रहे लोगों, बाइक सवार, साइकिल सवार को टक्कर मारता हुआ निकल रहा है। इस दौरान ई रिक्शा चालक को जब पुलिसकर्मी पकड़ने लगे तो उसने पुलिसकर्मियों को भी टक्कर मारी और फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने बाइक सवार की मदद से उसका पीछा किया। वहीं पुलिसकर्मी ने बताया कि ऑटो चालक नशे में था, उससे अलग तरह की बदबू आ रही थी। वह कोई बड़ा हादसा ना करे इसलिए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया, जिसके बाद उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार की मदद से उसका पीछा करना शुरू किया। आरोपी ऑटो चालक ने ई रिक्शा फुल स्पीड पर भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहिनी पार्क के करीब रेलवे लाइनों के पास पहुंचकर ऑटो दीवार के साथ टकराकर पलट गया और ऑटो चालक मौके से भाग गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला।
ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਡੀ ਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਲਾਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਣੀ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ। ਆਟੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 8वीं प्रभात फेरी प्रधान मदनलाल खिंदर की अध्यक्षता में निकाली गई, जिसका शुभारंभ मंदिर कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदनलाल खिंदर ने सपरिवार उपस्थित होकर किया। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोचने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी गली नंबर 1 श्री गुरु रविदास मंदिर में जाकर संपन्न हुई, जहां इलाका निवासियों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एक विशाल लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर समस्त कमेटी सदस्यों को श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, राकेश लोच, प्रदीप थापा, पवनत्री, चमनलाल पाठी, बलवीर लोच, रतनलाल पाठी, गुरदयाल, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल, कमल डालिया सहित कमेटी सदस्यों में जनकराज, अशोक बाबा, यशपाल, तरसेमलाल, रशपाल, टिंकू, अमन, सतपाल, विजय, सोनू, राजू, साहिल, प्रिंस, कृष्ण, जोनी, पूजा, रवि, श्यामलाल, महेश पाल अंगुराल, जीतलाल, नीतू, ध्यानचंद, सूजल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
सो तुम जानते हो कि महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा जो कि 5 फरवरी आ रहा है, 4 फरवरी पवित्र शोभा यात्रा निकाली जानी है। सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि शोभा यात्रा जरूर शिरकत करनी है और जो 5 तरीक का जन्मदिन है महाराज जी का, उस भी गुरु घर के आके अपना जीवन जोड़ा वो सफल बनाना है और सवेरे हवन जग होगा, उस तो बाद झंडे की रस्म होगी, उस तो बाद कवि द्वार जोड़ा है वो किया जाएगा, उस तो बाद गुरु जी का टुट लंगर वरताया जाएगा। असं इस बार सारे ने सारे इलाके ने अगे रो बल चढ़ के गुरु महाराज जी का पवित्र जन्मदिन मनाना है सारे समाज में ना लैके। सो मैं इस मौके के उत्ते सारिया संतान खास तौर पर श्री गुरु रविदास जो नगर है इन्होंने सारे साथियों का तय दिलों धन्यवाद करता हाँ। विश्व हिंदू परिषद रोपड़ जिले की बैठक जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें देवेंद्र शर्मा को विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष, मोहित भंडारी को विश्व हिंदू परिषद विशेष जिला संपर्क प्रमुख, देवेंद्र को जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, गगनदीप वर्मा को बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख और करण कौशल को जिला विद्यार्थी प्रमुख लगाया गया है। इस दौरान जिला प्रचार प्रसार प्रमुख पंकज वर्मा, जिला धर्म प्रचार प्रमुख राहुल चौहान और बजरंग दल के जिला संयोजक अनुराग बिश्नोई भी मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई कार्यालय के बीच में साडे अपने मोहित भंडारी जी नूं असीं जिला सेवा प्रमुख लगाया गया, तो साडे दविंदर जी साडे सीनियर वाइस प्रधान बनाए गए विश्व हिंदू परिषद के, इन्होंने जिम्मेवारी दी। जय श्री राम। मैं अनुराग बिश्नोई, बजरंग दल जिला संयोजक रूपनगर। आज जिला रूपनगर में बजरंग दल की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को गठित किया गया और जो हिंदू विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं उनको कम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्य करेगा, जिसमें जो भी हमारे बीच में कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लेंगे। विश्व हिंदू परिषद की बैठक जड़ी हुई है उसके जो भी मैं कार्यभार सौंपया गया वो मैं तन मन तन तो पूर्ति करूँगा, जो भी यानी कि अपना सनातन धर्म लिए मेरे तो योगदान पेगा मैं पावगा, हर टाइम तैयार है। जय श्री राम जी। मेरा नाम मोहित भंडारी है, तो विश्व हिंदू परिषद ने मैनू जिला विशेष संपर्क का एक अहुदा प्रदान करया है, तो मैं तहे दिलों इन्हां दा बड़ा धन्यवाद करता हाँ। तो अज ये कहांगा कि मैं अपने तन मन ते धन दे नाल विश्व हिंदू सेवा दी और विश्व हिंदू परिषद दी और अपने धर्म दी पूरी सेवा करांगा। गत दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित तनेजा के भाई वरुण तनेजा की बेटी सोम्या का निधन हो गया था, जिसके चलते भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए जालंधर के 120 फुटी रोड पर स्थित अमित तनेजा के निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर तरुण चुग ने भाजपा नेता अमित तनेजा व उनके भाई वरुण तनेजा के साथ दुख साझा किया और उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा बजट पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के आने वाले 25 वर्षों को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए पवन कनोजिया की रिपोर्ट। जालंधर कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू अपने साथियों सहित जालंधर के नए बने पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता और सिरोपा साहिब पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान
दौरान उन्होंने कैंट निवासियों को आ रही समस्याओं को लेकर सीपी से बातचीत की। उन्होंने कैंट की ट्रैफिक की समस्या को हल करवाने के लिए विशेष प्रयास करने की अपील की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता मोंटू सब्रवाल की ओर से दीपनगर की समस्याओं संबंधी सीपी को अवगत करवाया गया। इस मौके पर दर्शन सिंह मल्ली, राकेश कश्यप, राजकुमार राजू और राहुल अग्रवाल भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आज जो के साडे नवे कमिश्नर साहब ने जो के जालंधर दा कारोबार जिहड़ा हैगा के इस मल्लिया उन्होंने और उन्होंने असी मिलने लई जालंधर कैंट वालों, मैं हरविंदर सिंह पप्पू चेयरमैन श्री सनातन धर्मरामा मंदिर वालों माँ चिंतपुर्नी की चुनरी दिती है उन्होंने, और साढ़े जो कि मंटू सब्बरवाल दीपनगर तो है साढ़े समाज सेवक, उन्होंने कुछ दीपनगर दी जो कि समस्या मंटू सब्बरवाल ने दिखाई सी वो असी कमिश्नर साहब को दसिया वा, वो कहते ट्रैफिक की जो भी समस्या है जल्दी तो जल्दी हल की जाऊगी। और असी अपने वालों कश्यप राजपूत सभा वालों साढ़े राकेश कश्यप जी भी आए थे, मनी जी भी आए थे, डॉक्टर संजीव है साढ़े छोटा भरा, सारे जने ने असी आके कमिश्नर साहब को इतने आने पर बधाई दी और इन्हों तो असी पूरी आस उम्मीद रखते हैं जड़ी के चोरी दी वारदातें या ट्रैफिक की समस्या है वो जल्दी तो जल्दी हल करेंगे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हत्था दिया लिखा दा हिसाब तेरे कोले सवारी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के वीरका मिल्क प्लांट के नजदीक न्यू अमृत विहार में मामूली बात को लेकर कुछ युवकों ने चलाई गोलियां। खन्ना के राड़ा साहिब इलाके में एक तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, लोगों ने कार सवार लड़का लड़की को सुरक्षित निकाला बाहर। जालंधर के पौश एरिया मॉडल टाउन में एक दुकानदार ने महिला को सामान चोरी करते हुए पकड़ा, महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।